गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू शारदा स्टडीज क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग टेंस के नेक्स्ट पास्ट को लेकर आए हैं और आज का जो क्लास होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल पे होगा। जैसे कि आप लोग टेंस के बहुत सारे रूल्स यानी कि पॉजिटिव रूल और निगेटिव रूल और इंट्रोगेटिव रूल पढ़ चुके हैं, तो आज जो क्लासेस होगा वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल, यानी कि यस नो निगेटिव रूल क्या होता है, यस नो निगेटिव रूल उसका सेंटेंस क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव रूल क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो आप लोग शुरू से समझने के लिए क्या करें, शारदा स्टडीज क्लासेस को जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट, निगेटिव बोल रहे हैं तो नॉट लगा देना है, वर्ब वन देना है और ऑब्जेक्ट दे देना है। तो बच्चों ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल, क्या करना है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके सेंटेंस क्या होंगे, सेंटेंसेस का कैसा स्ट्रक्चर होगा और कैसे उसे क्या करते हैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ सेंटेंसेस को लिख लेते हैं और उसे क्या करेंगे, इस रूल पे क्या करेंगे, उसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला सेंटेंस क्या होता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव के कुछ रूल को लिखते हुए कुछ सेंटेंसेस को लिखा है, उस सेंटेंस को कैसे हम लोग क्या करते हैं अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस मैंने लिया है, क्या राम बाजार नहीं जाता है, जो कि इस रूल का है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले फिर वही यहाँ पे राम है, तो राम में डू या डज लगेगा वो हमें क्या करना है, फिक्स करना है। तो राम क्या है, नाम है, और नाम में क्या लगता है, नाम में डज लगता है, नाम में क्या लगा हुआ है बच्चों, डज, क्या लगा देना पहले, डज, और डज के बाद क्या लिख देना है, राम। यहाँ पे हो गया डज, सब्जेक्ट राम, उसके बाद क्या जोड़ना है, नॉट, रूल में जिस तरह जो रूल है वही हम लिख रहे हैं और सेंटेंस खुद ब खुद बन जाता है नॉट। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब, वर्ब का मतलब काम क्या है, काम क्या है, जाता है, तो जाना का क्या होता है, गो टू, और कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, बन गया क्या, राम बाजार नहीं जाता है, डज राम नॉट गो टू मार्केट। फिर क्या है निगेटिव, फिर सेकेंड सेंटेंस क्या है, क्या मैं काम नहीं करता हूं, तो क्या है, मैं का क्या होता, आई, और आई में क्या लगा हुआ है, डू, तो क्या लिखना है, डू आई, डू आई, उसके बाद डू आई नॉट, नॉट लिख देना है, काम क्या है, काम क्या है, काम करता हूं, तो काम करना का डू, ठीक है, डू आई नॉट डू, और तब डू मीन्स करना, और कौन चीज है, काम, काम का क्या होता है, वर्क। फिर क्या है नीचे का सेंटेंस, क्या हम लोग टीवी नहीं देखते हैं, तो क्या है, हम लोग का क्या होता है, हम लोग का वी होता है, और वी में डू या डज लगेगा, तो वी में क्या लगा हुआ है, डू, तो क्या लिखना है, डू, उसके बाद वी, उसके बाद जिस तरह रूल है नॉट, नॉट, काम क्या है, टीवी देखना, तो टीवी देखना का क्या होता है, वॉच, क्या होता है, वॉच, कितने बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, सीन देंगे, कितना देगा, लुक देगा, कितना व्यू देगा और कितना वॉच देगा, तो यहाँ पे वॉच ही वर्ड होता है, क्योंकि इस तीनों चारों वर्ड का जो हिंदी होता है एक ही होता है, लुक मीन देखना, सी मीन देखना, और व्यू मीन देखना, और वॉच मीन देखना। अगर टीवी देखने की बात रहेगी तो क्या करना है बच्चों, वॉच लगाना देखने के लिए, तो वॉच क्या हुआ, डू वी नोट वॉच, और टीवी जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर एक सेंटेंस क्या है नीचे का, क्या वे लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो क्या है, वे लोग का दे, और दे में क्या लगा हुआ है, डू, तो क्या लिखना है, डू दे, उसके बाद नॉट, और जानना का क्या होता है, नो, और कौन चीज नहीं जानता है वे लोग, तो हिंदी। तो बच्चों ये जो हो गया
ये इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल का सेंटेंस होता है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी रूल्स हो रहा है उस रूल पे ही क्या करते हैं हम लोग, जो वर्ड मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, वो वर्ड को लिखते हैं और हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी को हमें समझ कर सेंटेंस तो चुटकी का है ना, सेंटेंस हम लोग चुटकी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करके उसको ट्रांसलेट कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इसके साथ ये जो इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का डब्ल्यू एच रूल क्या होता है। जैसे कि हम लोग बताएं कि क्वेश्चन क्या होता है, दो यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन का निगेटिव और पॉजिटिव हो चुका है, अब हम लोग जानेंगे यस नो डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें सेंटेंसेस क्या होगा, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं जानते हो, आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते हैं, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं अंग्रेजी में क्यों नहीं बात करता हूं। तो क्या है, लास्ट में ता है, ती है, ते है रहना चाहिए, बाकी कुछ भी सेंटेंस हो, किसी तरह का सेंटेंस हो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आता है, और उसका रूल में, उसका जो रूल होता है, उसी रूल पे हम लोग क्या करते हैं, उस सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। तो बच्चों आई होप जो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल था सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप समझ चुके होंगे, और अगला वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यू एच का पॉजिटिव रूल क्या होता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का डब्ल्यू एच पॉजिटिव रूल क्या होता है, और उस पर का जो सेंटेंसेस होता है उसे कैसे हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो आप लोग इस शारदा स्टडीज क्लासेस को में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।